अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद सब ठीक होगा, अल्लाह का शुक्र हम सब ठीक हैं। तो यहाँ पे चल रही थी निकाह की तैयारियाँ और ये है मेरी बेटी का सूट निकाह के लिए। ये है गरारा सेट और ऑफ वाइट कलर में है और इसके ऊपर गोल्डन काम हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये नक्श ब्रांड का सूट है जो एम्पोरियम मॉल में इसकी शॉप है। बहुत ही अच्छा ब्रांड है बच्चों को लेकर, वह यहाँ पर हर ओकेशंस के आपको कपड़े मिल जाएंगे। और ये गरारा है।
और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सूट है, ऑफ वाइट कलर में है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो शर्ट के ऊपर काम हुआ हुआ गोल्डन कलर में, उस पर बीट्स भी लगे हुए हैं, कुछ तिल्ले का भी काम है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला था ये एम्पोरियम मॉल में। ये न्यू ब्रांड आया है नक्श के नाम से और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल इसकी प्राइजेस थी, तो ये हमें मिल गया। ये है दुपट्टा। और ये है मेरे बेटे का सूट है, ये जे डॉट से लिया हुआ है, शलवार कमीज विद, इसके साथ वेस्ट कोट भी थी। ये 3 पीस में मिल गया था। आपको पता, निकाह हो और वेस्ट कोट ना हो ऐसा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, और निकाह पे ज़्यादातर बॉयज़ को भी शलवार कमीज़ें ही अच्छी लगती हैं विद वेस्ट कोट के साथ। साथ ही हमने शूज़ लिए हैं, ये मुकेश शूज़ हैं, और आपको पता है शलवार कमीज़ के नीचे इस तरह के जो डिज़ाइन के शूज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरी बेटी की शूज़ है, सॉरी मैं आपको पहले सूट के साथ दिखाना भूल गई थी, और ये गोल्ड कलर में है। और ये है मेरे हबी का सूट है, ये अलमीरा ब्रांड का है। वो ज़्यादातर अलमीरा के या जे डॉट के कपड़ों को ही ज़्यादा मतलब पहनने का उनको शौक़ होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनकी स्टिचिंग वगैरह पसंद होती है और उनको जो साइज़ होता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। लेकिन उन्होंने वेस्ट कोट पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कहते हैं मुझे वेस्ट कोट पहनने का इतना उनको शौक़ नहीं है, ना ही उन्होंने कभी पहनी है। और साथ ही मैंने अलमीरा का ही इनके साथ इनको शूज़ मैच करके दिए थे, ब्लैक कलर के, जिनको आप पेशावरी चप्पल भी कह सकते हैं, खेड़ी भी कह सकते हैं। और इनकी पेशावरी चप्पल या खेड़ी जो भी आप कहेंगे, इतनी कंफर्टेबल होती है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। एंड लास्ट पे जो मेरा ड्रेस है वो आप देख लें, गाउन स्टाइल बनवाया मैंने यहाँ पे, और जो गाउन के ऊपर आप काम देख रहे हैं ये एम्बेलिशमेंट वर्क है, जो बाजुओं पे भी बना हुआ है, फ्रंट पे भी बना हुआ है, और बस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इतना सफाई से काम किया हुआ है। आपको इंशाल्लाह आगे जाके मैं ज़रूर क्लियर से दिखाऊंगी सारे काम को। और गाउन स्टाइल है ये, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सूट बनवाया है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल सूट जो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो बनारसी दुपट्टा है, क्योंकि बनारसी दुपट्टे का आजकल बहुत ज्यादा फैशन भी आया हुआ है, और गाउन के साथ इस तरह के दुपट्टे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब आगे जाके मुझसे इंस्टा पे सब पूछेंगे कि आपने ये सूट कहाँ से बनवाए हैं। जिन्होंने पूछना है वो मुझे इंस्टा पे जरूर पूछें, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस डिजाइनर से ये सूट बनवाया है। और जहाँ से मैंने ये ड्रेस बनाया है उनका आप इंस्टा पे उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़ारा आसिफ के नाम पे है उनका जो इंस्टा आईडी है, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उनके ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और देखें आप देखें कितना खूबसूरत काम लग रहा है। तो उनको इंस्टा पे जाके, ज़ारा आसिफ के नाम पे उनकी आईडी है, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा।